आज मैं यहां ये बात नहीं करूंगा कि नासा ने ओम की ध्वनि को यूनिवर्सल साउंड की मान्यता दे दी है। आज मैं बात करूंगा इसके पीछे के साइंस की, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी प्रमाणित किया है। वेदों में 20,389 मंत्र ऐसे हैं जिनकी शुरुआत ओम शब्द से होती है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र में यह आता है कि ओम कृतो स्मर, मतलब ओम का स्मरण करते रहो। लेकिन क्या सिर्फ हम इसीलिए ओम का स्मरण करते रहें कि वो वेदों में लिखा है? कुछ लोग इसको नहीं मानेंगे, तो हम बात करेंगे इसके पीछे के रिसर्च की, साइंस की, जो आधुनिक विज्ञान ने की है। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर जे मॉर्गन ने 7 साल एक रिसर्च की थी, जो ब्रिटेन के एक जर्नल में आर्टिकल के रूप में छपा था। प्रोफेसर जे मॉर्गन ने 7 साल ये रिसर्च की थी और उन्होंने 2,500 पुरुषों को और 2,000 महिलाओं को एज ए सैंपल के रूप में लिया था, जिनको दिमाग की और हृदय की बीमारियां थी, ब्रेन एंड हार्ट की डिजीजेस थी। इसमें उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों को लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत है वो तो दी गई, इसके अलावा और सारी दवाइयां बंद कर दी गई। अब उन्होंने उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनको रोज सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक खुले स्वच्छ वातावरण में ओम की ध्वनि का उच्चारण करवाया जाता था। अब जो है, इस रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आया वो सबको हैरान कर देने वाला था, और ये आर्टिकल छपा था। प्रोफेसर जे मॉर्गन ने बताया कि 70% पुरुषों को और 82% महिलाओं की जो है बीमारी 90% तक कम हो गई थी, और कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको सिर्फ 10% ही जो है इससे आउटपुट था, मतलब उनकी बीमारी 10% ही कम हुई। इसको भी प्रोफेसर जे मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि जिन पर यह कम असर हुआ है वो इसलिए हुआ है कि इन लोगों की बीमारी लास्ट स्टेज में थी। प्रोफेसर जे मॉर्गन ने बताया कि ओम की ध्वनि या ओम के उच्चारण से नशा मुक्ति, एल्कोहल विड्रोवल के मरीजों में भी सहायता मिलती है। इसको उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति ओम की ध्वनि का उच्चारण करता है, उसको ध्यान लेकर बोलता है, तो हमारे शरीर में तरंगे, वेव्स उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जा पाता, इनएक्सेसिबल एरियाज हम उनको बोल सकते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, योग प्राणायाम ध्यान करते हैं, तो उन एरियाज में भी ब्लड फ्लो अच्छे से जाता है और वहां से जो है विकार, बीमारियां कम होती हैं, ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है पूरी बॉडी का, जिससे बीमारियों में राहत मिलती है। इसके अलावा हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बेंसन ने भी एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने बताया कि ओम की ध्वनि जो है एड्स के, एचआईवी के मरीजों में भी पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक बदलाव ला रही है। कुछ इनफर्टिलिटी केसेस में भी ये सकारात्मक बदलाव और पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रही है, मतलब ब्रेन की, हार्ट की, इनफर्टिलिटी की समस्या, एचआईवी एड्स की समस्या, उसके साथ साथ एल्कोहल विड्रोवल, नशा मुक्ति, इन सब में तो ये मान्यता दी है हार्वर्ड जैसे कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने, कि इन सब बीमारियों में जो है ओम की ध्वनि का उच्चारण सकारात्मक बदलाव लाता है और बीमारियों को ठीक करने में हमारी सहायता देता है। मेरा मानना है कि अगर कोई भी चीज मनुष्य के जीवन या उसके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाती है तो उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो योग, प्राणायाम, ध्यान जरूर करें और उसके साथ साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि अगर ये बीमारियों को ठीक कर सकता है तो हमें बीमारियों से बचा भी सकता है। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो योग, प्राणायाम, ध्यान करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे तो ये हमें बीमारियों से दूर भी रखेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए ओम का स्मरण करते रहिए। ओम कृतो स्मर।